चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के ही सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा को एंट्री नहीं मिली। नाराज होकर प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस कार्यालय के गेट से वापस लौट गए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजाबड़िंग कांग्रेस कार्यालय से बाहर आ गए। इसके बाद राजाबड़िंग ने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। वहीं गांव चाविंडन कला के दर्जनों गरीब परिवारों को गेहूं न मिलने पर उन्होंने डिपो होल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिलाओं सहित अधिकांश गरीब लोग खाली हाथ थे, जिसके चलते ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि समान तरीके से गरीबों को बांटा जाए। अमृतसर में एसआई की कार में आईईडी लगाने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एसआई की कार में आईईडी लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसआई की कार में लगाए गए विस्फोट का वजन करीब 2 किलो 700 ग्राम था और तभी से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। राजपुरा रोटरी क्लब के अध्यक्ष व महासचिव पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया और राजपुरा एसडीएम संजीव कुमार की मौजूदगी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय भटेजा और महासचिव प्रदीप नंदा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य अतिथि रणदीप गुलेरिया ने कोविड के दौरान रोटरी क्लब की तरफ से किए गए कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब हमेशा समाज के कामों में आगे रहता है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के लिए किसान फिरोजपुर पंजाब मेल से रवाना हुए। किसान रिजर्वेशन और एसी डिपो में बैठ गए, जिससे विवाद हो गया, जिसकी वजह से रेल देरी से दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं पुलिस की मदद से मामले पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है कि वो बिजली संशोधन बिल को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जिसके लिए वो बड़ी संख्या में दिल्ली रवाना हुए हैं। वहीं पंजाब समेत कई राज्यों में धान की फसल में बौनेपन की बीमारी को लेकर किसान चिंतित हैं। वहीं फसलों की समस्या को लेकर कृषि विभाग भी सीरियस है। लुधियाना कृषि विभाग के मुख्य अधिकारी डॉक्टर अमनदीप सिंह ने कहा कि किसानों से इस तरह की समस्याएं मिल रही है। मिट्टी के सैंपल लिए जाने के साथ ही रिसर्च टीम का गठन किया गया है, ताकि समस्या के कारणों का पता लगाया जा सके और इसका समाधान जल्दी कराकर किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। वहीं डॉक्टर अमनदीप ने कहा कि किसानों को खाद और सपेरे के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। वहीं सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने पुलिस से कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मूसेवाला के माता पिता ने कहा कि सिद्धू का मर्डर हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अब तक कई आरोपी हैं जो फरार हैं। उन्होंने पंजाब सरकार और पुलिस से मांग की है, जो भी आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमला करने की फिराक में है। देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी बस स्टैंड को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने स्टेट पुलिस जेआरपी स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर इनपुट पर काम करने को कहा है। वहीं फिरोजपुर से आम आदमी पार्टी विधायक रजनीश दहिया ने लॉ अफसरों की 58 पोस्ट एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित करने पर सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। विधायक रजनीश दहिया ने कहा, कांग्रेस सरकार हो या अकाली सरकार, किसी भी सरकार ने एससी समुदाय के लोगों के बारे में नहीं सोचा, एससी समुदाय के लिए कुछ काम नहीं किया। वहीं पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पंजाब में लॉ अफसरों की नियुक्ति में आरक्षण को लागू किया है, जिसको लेकर चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत कई मंत्री और विधायकों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एजी कार्यालय में सरकार ने आरक्षण लागू किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने एससी वर्ग की अनदेखी की थी।
वहीं पंजाब सरकार लगातार खाने पीने और दूध के सैंपल लेने के अभियान को चलाए हुए है। इसी कड़ी में सेहत विभाग की टीम ने सरहदी गांव बारेके चौक पर दूध का कारोबार करने वालों के दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए। फूड इंस्पेक्टर हरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दूध के सैंपल लेकर भेज दिए गए हैं, रिजल्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्री मुक्तसर साहिब के गांव भागसर में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में आंखों की जांच के लिए कैंप लगाया गया। इस कैंप में कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर शामिल हुई। उन्होंने खुद मरीजों की आंखों की जांच की। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि सीएम भगवंत मान के आदेश के बाद इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनता के हित में काम कर रही है। जो भी मान सरकार ने जनता से वादे किए थे वो सभी वादे हमारी सरकार पूरे कर रही है।